एक कहानी हेउची गोटिए जंगल रो। सेही जंगल रे गोटिए नड़िया गच्छ थिला। से नड़िया गच्छ मिनु चढ़ेर थिला। से नड़िया गच्छ तले गोटिए लिंब गच्छ थिला। सेही लिंब गच्छ उपरे कालू काऊ घर करि रहुथिला। अरे बा रानी, आज कौन मो मन पसंद खाइबा बनैच? एहाकु देखि मो पाटिरु लाळ बोहिलाणी। हौ कालु, तमे जल्दी जल्दी खाओ, नहने खाइबा थंडा हे जीव। कालु काउ खाइबा कोही जाउथिला। सेतिकि बेळे मिनु चढ़ेरा नड़िया गछरु गोटिए बड़ नड़िया कालु काउर छात उपरे पड़े। कालु काउर छात फाटी जाए, आउ से नड़िया जाए ता खाइबा उपरे पड़े। अरे ये कौन हैला, एत बड़ पत्थर कुआड़े आसी पड़ा, आम घर छात भी फाटी गला। अरे रानी, ये पत्थर नुह, एटा गोटे बड़ नड़िया, देख ये पड़ी, आउ ये नड़िया पड़ कि मो घर छात भी फाटी गला। कालु काउ, आउ केते दिन एमिति चलथिबो, एमिति केते थर मिनु चढ़े नड़िया गछरु नड़िया पड़ी आम घर भांगला। रुह, मु एबे जाय कि से मिनु चढ़ई को पचारुची। तापरे कालु काउ एतिकी कही मिनु चढ़ई घर को जाए। मिनु चढ़ई, तो नड़िया गच्छ जोगु मते बहुत असुविधा हेउची। आज तो नड़िया गच्छरु नड़िया पड़ी मो घर छात फाटी गला, आउ मु बसिकी खाउथिली से नड़िया आसी मो खाद्य उपरे पड़िला, मो खाद्य भी नष्ट होइगला। कालु काउ, एथिरे मोर कोन दोष? मु कौन जानी सुनी कि नड़िया तो घरे पकाउछि कि? बास मिनु चढ़े बहुत हो गला, आउ थरे जदि केबे तो नड़िया गछरु नड़िया आसी मो घर उपरे पड़िला, आउ मोर जदि किछि क्षति हैला ताहले मु तोर ए नड़िया गछ हाणी देबी। आरे तू एमिति कौन कहुचु, तू जदि मो गछ काटि देबु ताहले मु चलिबी केमिति? मु ए नड़िया बिकि कि जहा भी पैसा रोजगार करुछि सेथिरे मु चलुछि। तोर जदि एते असुविधा हेउची ताहले तू आउ को गछरे जाई कि घर बनौनु? तापरे कालु काउ रागी कि सेठारु चली जाए। तापर दिन मिनु चढ़ई ता पैड़ पाणी दोकान खोलिकि बसी थाए, आउ से पैड़ पाणी पक्षी मानंकु बिकु थाए। बा मिनु चढ़ई, केते बढ़िया ए पैड़ पाणी लागुची, मते आउ गोटिए पैड़ दे, मु मो स्त्री पाई नेबी, से भी पीब। हाँ सुआ, एबे दौची। मिनु चढ़ेर पैड़ पाणी दोकान बहुत भल चलु थाए, किंतु सेपटे कालु काउ आउ रानी काउ बहुत चिंतार बसी थांती। कालु, मिनु ठीक कहुची, से कौन जानी सुनी कि आम घर उपरे नड़िया पकौची, एथिरे तार कौन दोष? आमे चलो आउ कोटी घर बनैबा, नहने जदि केतेबेले आम अंडा उपरे नड़िया पड़िजिबो ताहल तो मो पिला सब नष्ट हो जिबे। नाई रानी, आमे कुआडे भी जीवानी, आमे एटी ही रहिबा, मते से नड़िया गछर किछि ना किछि करिबाकु पड़िबो। हौ कालु काउ, तमे जाओ एबे कारीगर को डाकी छात जो कोणा हेजी ताकु ठीक कर। नाई रानी, छात ठीक करिबा किछि दरकार नाई, जदि पुणी थरे नड़िया छात उपरे पड़िबो ताहल तो आमर सब परिश्रम बेकार हेबो। ठीक अछि कालु, तमकु जहा ठीक लागुची तमे सेया कर। ता पर दिन कालु काउ आउ रानी बसी कथा हेउथिले। सेतिकी बेले गोटिए बड़ नड़िया आसी कालु काउर मुंड उपरे पड़िला। इलो बोइलो, मो मुंड फाटी गला लो, मो मुंड फाटी गला। रानी, मो मुंड भुलै हेलाणी, एबे मु ए नड़िया गछ को जमारु छाड़िबिनी, बस बहुत हो गला, एबे मु ए नड़िया गछ को काटी देबी। हाँ कालु, से नड़िया गछ को काटी दियो, काली से मिनु चढ़ई आरपट जंगल को ता सांग सह देखा करिबाकु जाउची, से गला परे तमे से गछ को काटी देबो। सकाळ होई जाए, मिनु चढ़ई ता सांग सह देखा करिबा पाई आरपट जंगल को चली जाए। से जीवा परे कालु काउ पारा बढ़ई को डाकी कि आणे। पारा भाई, जल्दी ए नड़िया गछ को मूलरु काटी दियो, जेमिति आउ ए गछ आउ थरे उठिबनी। किंतु कालु भाई,
ए नड़िया गछ तो मीनू चढ़ेर ना। पारा भाई तुमको पैसा दरकार कि ना, तुम्हें एत मुंड खेलाओनी, तुमर जदि काटा को इच्छा ना ताहले मु आउ कहाँ को डाकिबि। तापरे पारा से नड़िया गछ को काटा को लगे। किछि समय परे पारा से गछ को काटि दिए। जा हेउ गछटा कटि गला, मु एबे शांति रे सोई पारिबि। ता पर दिन जेतेबेले मीनू चढ़ई जंगल को आसे, से देखे ता घर पाखरे बहुत सारा पक्षी ठिया हैछंती। आरे मु घर पाखरे एते पक्षी कौन पाई ठिया हैछंती, जाउची देखिबी। ता पर मीनू चढ़ई सांगे सांगे ता घर पाख को जाए। आरे ये कौन हैला, मो नड़िया गछ को किए काटिला। मीनू चढ़ई मते क्षमा कर दे, मु तो नड़िया गछ को काटिची, किंतु मते काळु काऊ कहिला काटिया पाई, सेथि पाई मु काटि देली। मु से काळु काऊ को जम्मारु छाड़िबिनी। बुलबुल भाई तमे से काळु काऊ आउ रानी काऊ को डाकि के आनो। तापरे बुलबुल चढ़ई काळु काऊ आउ रानी काऊ को डाकिबाकु चली जाए। आउ मीनू चढ़ई भल से आरपट जंगल बुलिकी आसलुटी। काळु काऊ तू एत नजाणला पर ह ना, तू मो एत बर्षर नड़िया गछ काटिकी किछि ठीक कलुनी, मु तते जम्मारु छाड़िबिनी। सेमिति रे गछ काटिबा बहुत बड़ अपराध, मु मिट्टू महाराज को जाइकी सबु कथा कहिबी, से तते दंड देबे। जा जा मीनू चढ़ई, तते जहाँ पाख को जिबार अछि जा, मु काहाकु डरिनी, केही मोर किछि भी करि पारिबेनी। काळु काऊ तोर छोटिया असुविधा पाई तू मोर बर्ष बर्षर बेपार बंद करदेलु, मु तते जम्मारु छाड़िबिनी। हाँ काळु काऊ तू जम्मारु ए सब ठीक कलुनी, तते मिठू महाराज पाख को नेबा को ही पड़िब। नाई नाई काळु काऊ को मिठू महाराज पाख को नेकी जिबार किछि दरकार नाई, से किछि भी भूल करिनांती। नाई रानी मु एबे मिठू महाराज पाख को जाउची। काळु काऊ जदि तू मो सहित आसिबुनी ताहले मिठू महाराज सैनिक आसी तते टेकिकी नेकी जिबे। नाई मीनू मु काहा को डरिनी, चाले मिठू महाराज पाख को जिबा। तापरे मीनू चढ़ई आउ काळु काऊ मिठू महाराज पाख को जाती। मीनू चढ़ई मिठू महाराज को सबु कथा कह दिए। काळु काऊ तू मीनू चढ़ई सह बहुत खराब कलु, ता बर्ष बर्षर बेपार तू बंद करदेलु। महाराज से बेपार करूला से मु जमारु बाद करी ता नड़िया गछ काटिनी, सबुदिन मीनू चढ़ईर नड़िया गछरु नड़िया पड़ी मो घर छात भांगी जाऊला, सबुबेले मो घर जिनिष नष्ट होउतिला, सेथिपाई मु तार गछ काटिदेली। आउ आपण जानिसंती गोटिए बड़ नड़िया आसी मो मुंड उपरे पड़ीगला। महाराज काळु चाहिथिले आउ गोटिए गछ उपरे भी जाई घर बनई पारिथांता, एथिरे एते जीत करिबार कौन थिला, आउ से नड़िया तो मन को पड़ुथिला, मु कौन ताकु जानिशुणी कि पकाउथिली कि, एथिरे मोर कौन भूल। महाराज काळु काऊ एथिरे मीनू चढ़ईर किछि भी भूल नाही, मीनू चढ़ई एकदम ठीक कहुची। आउ मु जंगल रे एहा नियम करथिली जे केही भी गछ काटिबेनी, गछ काटिबा बहुत बड़ अपराध, आउ जिए गछ काटिब ताकु पांच वर्षर जेल हेब। एहा सुनी काळु काऊ बहुत डरी जाए। मिठू महाराज मते क्षमा कर दियंतु, मु आउ केबे भी गछ काटिबिनी, मोर भूल हो जाइछि महाराज। मिठू महाराज काळु काऊ को क्षमा करती ना, आउ ताकु नै कारागार रे बंदी कर दियंती। सांग माने मु गोटिए अनुरोध करिबि जे जदि आपण गछ लगे पारु नाहंती ताहले गछ काटंतु नाही। गोटिए जंगल रे सोनी चढ़ई ता बापा मा ओ ता सानो भाई सहित रहुथिला। तार बापा बहुत बड़ जमीदार थिले, सेथिपाई किछि ना किछि झगड़ा सबु बेले हुए। घरे सोनी चढ़ई रो ता भाई सह मध्य प्रतिदिन झगड़ा हुए, केते बेले खाइबा को नै तो आउ केबे पढ़िबा को नै। एही परी भाई भौनी दिने टीवी देखुथिले,
ସେମାନେ ତାପରେ ରିମୋଟକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସୋନି ଦିଦି, ଏ ରିମୋଟ ମୋତେ ଦିଅ। ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇବା ଖାଇବି, ତତେ ରିମୋଟ ଜମାରୁ ଦେବିନି। ଯଦି ରିମୋଟରେ ହାତ ମାରିବୁ ବାଡ଼େଇବି ଧରିକି। ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ବି ତତେ ବାଡ଼େଇବି, ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିନି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମା ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଟି କଲେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବି। ମା ପାଟି କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡରିଗଲେ ଓ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ବାପା ତୋ ବାହାଘର କେବେ କରିବେ, କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବାହାଘର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? କାରଣ ଏ ଘରୁ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଦେଖେ ମୋ ବାହାଘର ଯଦି ହେଇଯାଏ ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିବୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି? ହଁ, ଏମିତି ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋନିର ବାପା କାଉ ଆସିଲା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋନିକୁ ଡାକିଲା। ମୋନି, ହେ ମୋନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ମୋନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ? ମୋନି, ଆମେ ଆମ ଝିଅ ସୋନିର ବାହାଘର କରିଦେବା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିସାରିଛି। ଆର ମାସରେ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆରେ, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋନିର ବାହାଘର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସହ ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଲା ଓ ସୋନିର ବିଦାୟ ସମୟରେ ସୋନି ତା ଭାଇକୁ ଖୋଜିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ କି ମୋ ଯିବା ସମୟରେ ତୁ ଜମାରୁ କାନ୍ଦିବୁନି, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସରି ଦିଦି, ମୋତେ ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବୋଲି। ସୋନିତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଶାଶୁ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତା ବାପା ମା ଓ ଭାଇ କଥା ତାର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେପଟେ ରିଙ୍କୁ ତା ମାଆକୁ କହେ, ମା, ଦିଦି କେବେ ଆସିବ? ମୋର ତା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେବେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ତୁ ତ ଦିନସାରା ତା ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତୋର ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମା, କୁହ ନା, ଦିଦି କେବେ ଆସିବ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ, ତୋ ଦିଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଡାକୁନୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରିଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ତା ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଦିଦି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ସୋନି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତା ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। କ'ଣ ସୋନିର ଭାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।